भाई रोस्ट ऑन थारा भाई जोगिंदर। हाँ जी, तो सभी को एक बार फिर से हेलो नमस्कार और जय माता जी। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। बेसिकली ये कोई व्लॉग नहीं है, ये Q&A वीडियो है। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि Q&A वीडियो कैसा होता है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो Q&A वीडियो वो होता है जिसमें आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनका आंसर देता हूँ, इससे Q&A कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन में बोला जाए तो अब आप लोग पूछोगे कि भाई आप लोगों ने कहाँ पर हम क्वेश्चन पूछे हैं और आप जवाब कैसे दोगे, वो उसकी चिंता मत करो, आपको बता देता हूँ मैं। बेसिकली मैंने सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम पे, इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा करो। वहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी डाली थी, उसके अंदर कुछ लोगों ने अपने फनी से क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका मैं रिप्लाई इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा जरूर देखते रहना, ठीक है। तो अभी बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जिसने पूछा है उनका नाम है राजवना। अगर आप लोग सही इमेजिन कर पा रहे हो तो एकदम सही कर पा रहे हो, मतलब हमारे ब्लॉग में ऑलरेडी आ चुके हैं, फोटो देख लो एक बार, ठीक है। यही है और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, भाई आप कहाँ की हो। भाई सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं की मतलब फीमेल नहीं हूँ, मेल हूँ। तो आप कहाँ के लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई होगी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये है कि मैं गैलावास से हूँ, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और आपने उसके आगे और लिखा है कि भाई मेरा भी एक वीडियो बना दो। तो भाई ज़रूर, आपके इतने वीडियो बना दिए हैं तो एक वीडियो और ज़रूर बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जितेंद्र चौहान। तो इन्होंने ये पूछा, नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा। तो देखो भाई, नेक्स्ट वीडियो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बड़ा प्लान करके रखा है। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है कुछ हटके होने वाला है, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि किस प्रकार का होने वाला है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कंटेंट डाला नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, आप बोरिंग हो सकते हो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो। अगर आपको व्लॉग चैनल खोलना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, आपको परसों मिल सकता है, चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है भाई, ये अपना है। तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने पूछा है उनका नाम है मिस्टर जीत 001 है या 5 है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इन्होंने अपने जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई व्लॉग में कुछ ट्विस्ट चाहिए। भाई ट्विस्ट की बात ऐसी है कि अपन लोग क्या ट्विस्ट बना सकते हैं व्लॉग में। अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या ट्विस्ट में लाए, बट आप कोई सजेशन दे सकते हो तो दे सकते हो अपने मेरे इस कमेंट बॉक्स में कि भाई किस पे व्लॉग चाहते हो आप, किस प्रकार का व्लॉग चाहते हैं, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं संपावत अरुण शाह। सवाल ये है कि भाई आप गेमिंग चैनल क्यों नहीं खोलते। अब देखो बात ऐसी है कि ना तो मेरे को गेमिंग खेलना पसंद है, ना ही मैं गेमिंग चैनल देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि लाइव स्ट्रीम में किस प्रकार की होती है गेम प्ले की। तो भाई फिर मैं कैसे खोल सकता हूँ गेमिंग चैनल, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ में आपको वो काम आपको करना चाहिए आगे। जैसे कि अपन को वीडियोज़ बनाना पसंद है। अब देखो वीडियोज़ बनाने के भी दो फायदे हैं, एक तो आप अपने ऑडियंस को दे रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आप खुद के लिए बना रहे हो। इन दोनों में से मैं खुद के लिए बना रहा हूँ। मेरे को नहीं पता है कि ऑडियंस को पसंद आता है या नहीं आता है, बट मेरे को अच्छा लगता है बोलना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, इसलिए बनाता हूँ। और जिनको गेमिंग पसंद है वो गेमिंग चैनल भी बनाते हैं, ये उनका और इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर ये चलता है, ठीक है भाई। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने पूछा है माही बना, बेसिकली ये लिखते हैं ये है कि भाई रोस्ट ऑन थारा भाई जोगिंदर। देखो बात ऐसी है कि अपना जो चैनल है वो व्लॉग चैनल है, तो रोस्ट चैनल और व्लॉग चैनल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर की ऑडियंस होती है। तो इसलिए भाई रोस्ट मैं कैसे कर सकता हूँ यार, ये कोई मतलब ऐसे ही चैनल नहीं है कि भाई कुछ भी कंटेंट आया, आप कुछ भी यूट्यूब पे अपलोड करते रहो, कभी रोस्ट कर दिया, कभी व्लॉग बना दिया, कभी टेक की वीडियो डाल दिए, ऐसा नहीं भाई, ठीक है। रोस्ट वीडियो है तो वो रोस्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मत पूछा करो। मैंने स्टोरी पे लिखा था कि भाई जो आप मेरे चैनल के बारे में पूछ सकते हो वो पूछना, बट कोई बात नहीं, आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने पूछा है उनका नाम है द जितू सिंह। तो ये अपने क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि भाई आपके चैनल पर 4 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया क्या। तो देखो भाई हाँ हो गया है, ऐड भी चलो हो गए थे, अभी मेरे चैनल पे स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से आपको ऐड शो नहीं करी होगी, बट आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका है। हाँ जी, तो अभी हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो कि पूछते हैं इनोसेंट बॉय ने।
तो ये लिखते हैं कि भाई अगली वीडियो कब आएगी। अब यार मैं कितनी बार बोलूँ आपको, मैं कह कह के थक चुका हूँ कि भाई मेरा जो मैंने प्लान किया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आएगी, तो मतलब ऐसे ही आएगी ना, तो फिर आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं भड़क रहा हूँ, भड़कने की बात ही नहीं है, क्योंकि यार आपको इतना बोल दिया है और फिर भी आप लोग ऐसे नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो बेसिकली आने वाली है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आने वाली है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँ और अच्छा से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँ। वो आपके ऊपर है कि आप मेरे व्लॉग के अपलोड होने के बाद कितना प्यार देते हैं। मेरी जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं आपको व्लॉग बना के दे सकता हूँ, बट उससे आपके ऊपर उसके ऊपर व्यूज़ लाना या नहीं लाना, इससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर कैसे चले गए, ठीक है। तो अभी अपना वक्त आ चुका है कि वीडियो को एंड करने का, तो आई होपफुली आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो था। तो अब इसके ऊपर आप कितना प्यार देते हो वो आपके ऊपर है, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो यूट्यूब पे क्या बोलते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ दिया है। अब आपके ऊपर कितना प्यार देते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ घंटी जरूर दबा देना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब लेके जय हिंद जय मना सकी।